नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ फॉर मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा आकांक्षा दुबे मामले में समर सिंह के खिलाफ जो सबूत मिला है उस सबूत के अनुसार समर सिंह पर दफा तीन सौ के तहत मामला दर्ज किया गया है दफा तीन सौ छः के तहत मामला दर्ज होने पर इस जो आरोपी है अगर उस पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो जुर्माने के साथ साथ दस साल तक की सजा सुनाई जा सकती है तो क्या यहाँ अगर उस वीडियो के बदौलत और उस फोटो के बदौलत जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है क्या समर सिंह को सज़ा मिल पाएगी और अगर सज़ा मिलती है तो क्या 10 साल की उसे सज़ा मिलती है या नहीं आज इस रिपोर्ट में इस बात पर चर्चा करेंगे बताते चले कि आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह पर जो दो गंभीर आरोप लगाए थे उसमें उसमें जो पहला आरोप था वो यही था कि आकांक्षा दुबे ने समर सिंह के उकसाने पर अपनी जान दी है वहीं दूसरा जो गंभीर आरोप था वो धमकी देने का भी लगाया था और धमकी देने का आरोप संजय सिंह पर भी है ऐसे में संजय सिंह पर पाँच के तहत मुकदमे को दर्ज किया गया है जिसमें दो साल की सजा का प्रावधान है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है ऐसे में अगर आरोप तय होते हैं तो यकीनन समर सिंह और संजय सिंह को सालों तक जेल में रहना पड़ सकता है और उनका जो करियर है वो भी इस दौरान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा समर सिंह को 12 साल की सज़ा मिल सकती है 12 साल की सज़ा में दो साल धारा 506 के तहत यानी कि अगर समर सिंह पर भी धमकी देने का जो आरोप है वो सिद्ध होता है तो 506 के तहत सज़ा मिलेगी उसमें दो साल की सज़ा और साथ ही 306 यानी कि वो मुकदमा जिसमें ये आ, बताया गया था ये मामला दर्ज किया गया था कि आ, आ, आकांक्षा दुबे को समर सिंह द्वारा ही उकसाया गया है तभी आकांक्षा ने अपनी जान ली अगर वो भी आ, मामला जो है वो सिद्ध साबित होता है अगर इस पूरे केस में जो आरोपी है समर सिंह वो उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं इस आरोप को लेकर के तो उसमें दस साल की सज़ा का प्रावधान है तो तकरीबन दोनों ही अगर धाराओं को मिलाई मिलाया जाए उनकी सज़ा को मिलाया जाए तो तकरीबन बारह से तेरह साल की सजा यहाँ समर सिंह को मिल सकती है यानी कि संजय सिंह को दो साल की सज़ा और साथ ही समर सिंह को यहाँ बारह साल की सज़ा मिलेगी साथ ही इन दिनों जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है और जो फैंस हैं उन लोगों ने लगातार समर सिंह को बाइकॉट करना शुरू कर दिया है यानी कि अगर सज़ा ना भी मिले और ये केस अगर लंबा चलता है तो इस दौरान समर सिंह पर जो उसका उसके जो करियर का खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है इस वक्त भी समर सिंह के कई गानों को बायकॉट किया जा चुका है लगातार सोशल मीडिया पर आकांक्षा दुबे के समर्थक आकांक्षा को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं और समर सिंह के ख़िलाफ़ कार्रवाई चाहते हैं फिलहाल देखना ये होगा कि अब इसमें आकांक्षा दुबे की मां कौन सा बड़ा कदम उठाती हैं और वो वीडियो क्या जो पूरी तरीके से अभी बरामद नहीं हो पाया जिसका भी आधा हिस्सा बरामद हुआ है तकरीबन 38 सेकंड का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें आकांक्षा रोती हुई नजर आ रही हैं क्या पुलिस वो सारे वीडियो को बरामद कर पाएगी या नहीं ये भी काफ़ी बड़ा सवाल है फिलहाल आज के लिए इतना ही देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ